मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मंत्रियों को बांटे विभाग, जाने किस मंत्री को मिला कौन सा विभाग। दोस्तों स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बांटे गए विभागों के विषय में। क्या जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों आपको बता दें विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों को मिले ये काम और सहयोगी अधिकारी। दोस्तों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल शपथ लेने के बाद 5 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा को गृह एवं स्वास्थ्य विभाग मिला, मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण विभाग, तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग और कमल पटेल को कृषि मंत्रालय, गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। वहीं 5 मंत्रियों को काम और सहयोगी अधिकारी भी सौंपे जा चुके हैं। जाने किस मंत्री को क्या काम मिला है। दोस्तों आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को गृह विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्य को सौंपा गया है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य स्तर पर प्रबंधन एवं अनुश्रवण एवं समन्वय करना, कोरोना से निपटने हेतु चिकित्सा उपकरणों, दवा एवं सामग्रियों की व्यवस्था करना और अस्पताल प्रबंधन, सर्वे, सैंपलिंग, टेस्टिंग तथा उपचार आदि की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना, प्रदेश के शासकीय एवं निजी अस्पतालों, समाज सेवियों, सभी प्रकार के स्वास्थ्य संगठनों से निरंतर संवाद स्थापित कर आ रही कठिनाइयों को दूर करना है, जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से चर्चा करना एवं उनके द्वारा तैयार रणनीति एवं लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। जिलों में समाजसेवी संगठनों, गणमान्य नागरिकों, व्यापार, उद्योग, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि संगठनों तथा धर्मगुरुओं आदि के संवाद बनाए रखना और कोरोना से के नियंत्रण में इन सब का सहयोग प्राप्त करना रहेगा। कोविड संक्रमण के समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए विगत 1 माह में किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का परिपालन सुनिश्चित करना होगा। आइए जान लेते हैं इनके अधिकारियों के नाम। तो अधिकारियों में सहयोगी अधिकारी है मोहम्मद सुलेमान, इनके मोबाइल नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 9425062888। अपर मुख्य सचिव है स्वास्थ्य विभाग के, इसके साथ संजय शुक्ला जो कि इनका मोबाइल नंबर हम इस प्रकार है 9425019500, प्रमुख सचिव हैं जो कि चिकित्सा शिक्षा विभाग से हैं, और इसी के साथ महेश अग्रवाल 9425078735, प्रभारी प्रमुख सचिव हैं आयुष विभाग के। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जल संसाधन विभाग के कार्य इनको सौंपा गया है। जल संसाधन विभाग ने कार्य हैं मुख्य मध्य प्रदेश के स्कूलों एवं कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन एवं स्कूलों कॉलेजों से संबंधित वे महत्वपूर्ण विषय देखना जिसका त्वरित समाधान किया जा सके। इसी के साथ मध्य प्रदेश के वे निवासी विद्यार्थी, प्रवासी श्रमिक जो प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में फंसे हैं, उनके भोजन, आश्रय, दवा आदि सभी व्यवस्थाओं का अनुश्रवण करना, और मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना के अंतर्गत मजदूरों को 1,000 रुपये की सहायता राशि उनके बैंक खातों में अंतरित किए जाने वाले संबंधित कार्य भी की नियमित समीक्षा करना। अन्य राज्यों के ऐसे प्रवासी श्रमिक जो मध्य प्रदेश में फंसे हैं, उनसे उनके भोजन, आश्रय, दवा आदि सभी व्यवस्थाओं का अनुश्रवण करना। जिलों में समाजसेवी संगठनों, गणमान्य नागरिकों, व्यापार, उद्योग, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि संगठनों तथा धर्मगुरुओं आदि से संवाद बनाए रखना और कोरोना के नियंत्रण में इन सबका सहयोग प्राप्त करना। कोविड में संक्रमण के समय में शिक्षा क्षेत्र के लिए विगत 1 माह में किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का परिपालन सुनिश्चित करना। आइए इनके सहयोगी के नाम मालूम कर लेते हैं सहयोगी अधिकारियों के। तो ICP केसरी, इनके मोबाइल नंबर 9991022000, अपर मुख्य सचिव हैं वाणिज्य कर विभाग के। इसी तरह नीरज मंडलोई प्रमुख सचिव हैं उच्च शिक्षा विभाग के। रश्मि अरुण शमी जो प्रमुख सचिव है स्कूल शिक्षा विभाग के। दीपाली रस्तोगी जो कि प्रमुख सचिव है आदिम जाति कल्याण विभाग के। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कैबिनेट मंत्री कमल पटेल के विषय में जो कृषि विभाग इनको कार्यभार सौंपा गया है। इनके कार्य की हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में चल रहे उपार्जन कार्यों के अंतर्गत किसानों को फसल के समर्थन मूल्य का भुगतान समय पर तथा पूरा हो इसकी समीक्षा कृषि विभाग के स्तर पर करना। जहाँ जहाँ फसलों की कटाई का कार्य शेष है वहाँ हार्वेस्टर, थ्रेसर, ट्रैक्टर आदि के आवागमन, सर्विसिंग आदि की पर्याप्त व्यवस्था एवं भूसे की समुचित व्यवस्था ताकि शेष कटाई कार्य निर्विघ्न रूप से हो सके।
और तीसरे नंबर पर कहा रहे इनका आगामी खरीफ के लिए कृषि आना आदान उपकरण खाद बीज कृषि ऋण उपलब्ध आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना और जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स से चर्चा करना एवं उनके द्वारा तैयार रणनीति एवं लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना। कोविड संक्रमण के समय में कृषि क्षेत्र के लिए विगत एक माह में किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का परिपालन सुनिश्चित करना। जिलों में समाज सेवी संगठनों गणमान्य नागरिकों व्यापार उद्योग कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि संगठनों तथा धर्मगुरुओं आदि के संवाद बनाए रखना और कोरोना के नियंत्रण में इन सब का सहयोग प्राप्त करना। आइए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इनके सहयोगी अधिकारियों के विषय में। के सिंह जो कृषि उत्पादन आयुक्त हैं और अजित केसरी प्रमुख सचिव हैं जो कृषि विभाग के हैं। उमाशंकर और उमाकांत उमराव जो कि प्रमुख सचिव हैं सहकारिता विभाग के। शिव शेखर शुक्ला जो प्रमुख सचिव खाद्य विभाग के हैं। इसी के साथ गोविंद सिंह राजपूत की बात कर लेते हैं जो खाद्य आपूर्ति विभाग के का जो कार्यभार सौंपा गया है। इनके कार्य की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में चल रहे उपार्जन कार्य के अंतर्गत किसानों को फसल के समर्थन मूल्य का भुगतान समय पर तथा पूरा हो इसकी समीक्षा कृषि विभाग के स्तर पर करना है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन वितरण संबंधी समस्त कार्य एवं सप्लाई में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो ये सुनिश्चित इनका करना है। एक साथ प्रदेश में खाद्यान्न वितरण संबंधित कार्य सुव्यवस्थित एवं योजनाबद्ध तरीके से कराना और जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से चर्चा करना एवं उनके द्वारा तैयार रणनीति एवं लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। जिलों में समाज सेवी संगठनों गणमान्य नागरिकों व्यापार उद्योग इन सब के बारे में जानकारी हासिल करना। आज इनके बारे में हम जान लेते हैं अधिकारीगण जो कि इनके अधिकारीगण कौन कौन से हैं तो शिव शेखर शुक्ला प्रमुख सचिव खाद्य विभाग के हैं। उमाशंकर उमराव प्रमुख सचिव हैं सहकारिता विभाग के। इसके साथ हम बात कर लेते हैं मंत्री मीना सिंह मांडवे की जो कि आदिम जाति कल्याण विभाग से हैं। इनको कार्यभार के विषय में हम बात करें तो प्रदेश में सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन आदि का हितग्राहियों के खाते में वितरण करना, संबल योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करना, सुनिश्चित करना कि वरिष्ठ जनों दिव्यांगों कमजोर वर्ग के लिए लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयां ना हों। इसके साथ जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से चर्चा करना एवं उनके द्वारा तैयार रणनीति एवं लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना। जिलों में समाज सेवी संगठनों गणमान्य नागरिकों व्यापारिक उद्योग कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों संगठनों तथा धर्मगुरुओं आदि के संवाद बनाए रखना और कोरोना के नियंत्रण में इन सब का सहयोग प्राप्त करना। तेंदुपत्ता गुड़ाई एवं अन्य लघु वन उपज के खरीदना। आइए हम इनके बारे में इनका अधिकारियों के बारे में बात कर लेते हैं तो वो हैं जे एन कसोटिया प्रमुख सचिव है सामाजिक न्याय विभाग के। अशोक बर्णवाल जो कि प्रमुख सचिव है वन विभाग के। अशोक शाह प्रमुख सचिव श्री श्रम विभाग के।